तो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील सैनी। आगे हूं एक बहुत प्यारी कोठी लेके, 250 गज में बनी हुई। देखिए बहुत प्यारा इसका एलिवेशन है, डबल स्टोरी है, 60 फीट इसकी फ्रंट की रोड रहने वाली है और बिल्कुल ऑपोजिट हमारा जो यलवाजू टावर उसके सामने रहने वाली है। अगर कैमरा मैन आपको थोड़े से व्यू भी दिखा दें, और एयरपोर्ट रोड बिल्कुल इसके पास से निकलती है। 123 सेक्टर एयरपोर्ट रोड के साथ कनेक्टेड यलवाजू टावर के बिल्कुल सामने, 60 फीट रोड के ऊपर ये बहुत अच्छी बनी हुई 250 गज की कोठी है। ये देखिए इसकी एंट्रेंस और जितना दोस्तों फ्लोरिंग है इसकी, सारा ग्रेनेट लगा हुआ है। बहुत बड़े साइज की पार्किंग, आपकी 3 गाड़ियां आराम से यहाँ पार्क हो जाएंगी। और अगर मैं बात करूँ एलिवेशन में, बहुत प्यारी देखिए टाइल्स लगी हुई हैं, कभी भी सालों साल आपको पेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके सारे दोस्तों, आपके सबमर्सिबल का दोस्तों कनेक्शन आ जाता है, आपकी मोटर आ जाती है। अगर मैं पानी की बात करूँ तो यहाँ MC का पानी आता है। यहाँ पे आपको टैप की प्रोविजनिंग दी गई है, एक यहाँ पे छोटा गार्डन भी दे दिया गया है, ग्रीनरी मेंटेन भी आप कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा देखिए पूरे एलिवेशन पे आपकी टाइल्स लगी हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए, फैंसी लाइट बहुत प्यारी यूज़ करी गई है। जैसी कोठी आप देख रहे हैं बिल्कुल आपको ये एज इट इज़ मिलने वाली है। और यहाँ पे भी आपको देखिए स्टोरेज मिल जाती है। और बात करूँ यहाँ पे आपका देखिए सिलेंडर वगैरह आपका यहीं आ जाएगा, एक्स्ट्रा सामान आप कुछ भी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और पूरे एलिवेशन में बहुत प्यारी देखिए फैंसी लाइट भी यूज़ करी गई है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ ऑन करके भी। तो ये देखिए बहुत प्यारा वुडन का डिज़ाइन और इसमें फैंसी लाइट, आपकी LED लाइट्स लगी हुई हैं। और एंट्रेंस की बात करूँ बहुत प्यारा, बहुत हैवी मैच डोर, देखिए स्टाइलिश मैच डोर आपको मिलता है। और अगर मैं अंदर आने की बात करूँ दोस्तों, अंदर आके तो आपको एक बहुत बड़ा वाव फैक्टर फील आने वाला है। बहुत हैवी आपका टीक वुड का डोर आएगा स्मार्ट लॉक के साथ। स्मार्ट लॉक आपको पता है आज का दोस्तों ट्रेंड है। और अंदर आते ही दोस्तों एक महल जैसा फील आने वाला। ये देखिए इसका फायर है, देखिए सबसे पहले अंदर आते ही हमारी बहुत बड़े साइज की मॉड्यूलर किचन आ जाती है। और फैंसी लाइट आप देख रहे हैं, बिल्कुल जो कुछ आप देख रहे हैं इसमें इंक्लूड रहने वाला है। अगर मैं किचन की बात करूं, ये आ जाता है हमारा दोस्तों ब्रेकफास्ट टेबल, यहाँ पे आप बैठ के अपना ब्रेकफास्ट डिनर एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत बड़े साइज की, ऑलमोस्ट इतना बड़ा तो बेडरूम नहीं होता जितनी बड़ी ये किचन मिलने वाली है। देखिए आपको रिवॉल्विंग देखिए दोस्तों, ये आपको मिक्सचर मिलने वाला है। ये देखिए रिवॉल्विंग है, इसमें देखिए आपको ऐसे ऑपरेट कर सकते हैं, और आप इसको चाहिए तो दोस्तों इसको ऐसे पुल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा ये दोस्तों आपको रिवॉल्विंग मिक्सचर मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पे आप अपने वेजिटेबल वॉश करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और बहुत बड़ा आपको डबल सिंक मिल जाता है, एक विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए, और आपको पता चलता है आपके घर में कौन आ रहा है। और स्टार्टिंग में अगर बात करूँ यहाँ पे आपको आपकी वेजिटेबल की दोस्तों बास्केट मिल जाती हैं, बहुत आजकल ट्रेंड में है। आपको वेजिटेबल रखनी है, अपने फ्रूट्स रखने हैं, वो यहाँ स्टोर कर सकते हैं। और ये ब्रेकफास्ट टेबल के नीचे भी आपको पूरी स्टोरेज मिलती है, देखिए बहुत बड़े बड़े आपको कंपार्टमेंट मिलते हैं स्टोरेज के लिए। और दोस्तों ये घर ही इतना शानदार है, एक महल जिसे कहते हैं आज की डेट में, ये आपको वही फील आने वाला है। तो देखिए पूरी मॉड्यूलर किचन बहुत प्यारी डिज़ाइन करी गई, हाइड्रोलिक के साथ ऊपर मिलेगी आपको। ये देखिए हाइड्रोलिक किचन, और हर तरफ आप देखोगे तो स्टोरेज मिलने वाली है। यहाँ पे आपको चिमनी मिल जाएगी, ये भी दोस्तों आपकी वेव से स्टार्ट हो जाती है, वेव से आपके बंद हो जाती है, सेंसर वाली चिमनी है। और यहाँ पे भी आपको देखिए अगेन हाइड्रोलिक है पूरा। दोस्तों आप देख रहे हैं सारी किचन आपको ऐसे ही जस्ट मॉड्यूलर किचन, सारी सॉफ्ट क्लोजर के साथ मिलने वाली है। ये देखिए सारे कंपार्टमेंट आपके सॉफ्ट क्लोजर के साथ हैं। और ये आ गया आपका दोस्तों जहाँ पे आप अपने माइक्रोवेव ओवन स्टोर कर सकते हैं। फिर आपको मिल जाएगा आपका दोस्तों एक पेंट्री एरिया, यहाँ पे आपके छोटे मोटी चीज़ें जो भी किचन की है वो स्टोर हो सकती हैं। और एक और दोस्तों किचन में एक और किचन आपको मिलने वाली है, देखिए एक छोटी किचन मिल जाती है यहाँ पे भी L शेप में, इसके नीचे भी आपको सारी स्टोरेज एरिया मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पे पूरा स्टोरेज एरिया है, और ऊपर भी बिल्कुल एज इट इज आपको स्टोरेज मिलती है, और स्पेस इतनी ज़्यादा है आपको कभी भी कमी नहीं लगेगी। तो बात करूँ ये आपका दोस्तों यहाँ पे आप अपना रेफ्रिजरेटर कर लगा सकते हैं। और इसके साथ ही हमने एक दोस्तों आपके लिए, अगर आपको अपने कोई अप्लाइंसेस रखने हैं, जहाँ आपको अपने कोई बर्तन रखने हैं, यहाँ पे भी आपको एक स्टोरेज मिल जाती है। यहाँ पे आप अपने कोई शोकेस के आइटम रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा एंट्रेंस पे एक अच्छे साइज का दोस्तों आ जाएगा ड्राइंग एरिया, और
ये देखिए, ये हमारा आ जाता है ड्राइंग एरिया। साइज बहुत बड़े बड़े साइज हैं। सबसे पहले देखिए आप फॉल सीलिंग, बहुत प्यारी फॉल सीलिंग, एलईडी लाइट्स के साथ बिल्कुल आपको एज इट मिलने वाली है। फ्रंट में विंडो देखिए बहुत बड़ी, बहुत अच्छी सनलाइट आ रही है और एक लग्जरी फील है दोस्तों। ये होता है लग्जरी घर। जो कुछ भी आप देख रहे हैं दोस्तों, ये फैंसी लाइट आपको इंक्लूड रहने वाली है। और वॉलपेपर अगर आप देखोगे, ये वाला वॉलपेपर आपको फैंसी लाइट्स के साथ बिल्कुल एज इट इज मिलने वाला है। पूरा घर लग्जरी घर है, बिल्कुल एज इट इज, चाहे वो वॉलपेपर, फैंसी लाइट, जो कुछ भी आप देखोगे सब कुछ एज इट इज रहने वाला है। तो इसी के साथ हमारा आता है अगेन एक बहुत बड़े साइज का सिटिंग एरिया। आप इसको ड्राइंग डाइनिंग बोल सकते हैं, लिविंग डाइनिंग बोल सकते हैं, जो कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, बट इसको लग्जरी घर तो बोलना बनता ही है। तो ये देखिए, ये आपका आ गया एक टीवी पैनल। इसके साथ ही दोस्तों एलईडी का लाइट, बहुत अच्छा डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पे आपके दोस्तों फैंसी आइटम, शोकेस के आइटम रख सकते हो। और ये आ गया आपका दोस्तों बहुत प्यारा, देखिए सारी फिटिंग जैक्वायर ब्रांड के साथ, बहुत अच्छी प्यारी वैनिटी आपको आ जाती है। इसके नीचे भी आपको देखिए स्टोरेज मिल जाती है। और आप देख रहे हैं आपको लिविंग कम डाइनिंग एरिया को पार्टीशन दिया गया है वुडन के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। MDF बोर्ड यूज़ कराया गया है, तो एक लग्जरी फील यही होता है। अगर आप बात करें और लग्जरी की, सबसे पहले इसका अगर आपने देखा होगा फॉल सीलिंग, बहुत प्यारी फॉल सीलिंग, आपका झूमर, फैंसी लाइट इंक्लूड रहने वाली है। यहाँ पे भी आपको एक और टीवी पैनल मिल जाएगा, एक बहुत अच्छे साइज़ का, एक नया डिज़ाइन, नई लुक के साथ। इसके नीचे भी आपको स्टोरेज मिलने वाली है, ये देखिए हर जगह आपको ये स्टोरेज मिलती है। इसके ऊपर भी आपको स्टोरेज मिल जाएगी। तो स्टोरेज के लिए कोई भी कमी नहीं है दोस्तों। कमी क्या है, आपको एक बार इसको विजिट करना है, देख लेना है, क्योंकि बहुत लग्जरी घर ये होने वाला है। और ये आ गया हमारा एक और दोस्तों ग्राउंड फ्लोर का पहला बेडरूम। और अगर मैं बेडरूम की बात करूँ, बहुत बड़े साइज का आपका किंग साइज बेडरूम रहने वाला है। डाउन सीलिंग देखिए, बहुत प्यारी फॉल सीलिंग वुडन के साथ, एलईडी लाइट्स के साथ। और वॉलपेपर तो दोस्तों बहुत प्यारे यूज़ करे गए हैं, फैंसी लाइट बहुत प्यारी हैं। बात करूँ मैं इसमें आपको एक बहुत बड़े साइज़ का, ये देखिए आपको ड्रेसिंग टेबल मिल जाता है। और इसके साथ भी बहुत ज़्यादा स्टोरेज, आपको ऊपर भी स्टोरेज है, इसके नीचे भी ऐसी स्टोरेज मिलती है, ये देखिए, और यहाँ पे भी स्टोरेज मिलती है। हर जगह आपको दो जगह ये स्टोरेज मिलती है, दो जगह यहाँ पे स्टोरेज मिल जाती है। स्टोरेज की दोस्तों कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत, क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा है। यहाँ देखिए अगेन आपको एक बहुत बड़े साइज़ का टीवी पैनल मिल जाएगा। इसके नीचे भी आपको स्टोरेज मिलती है, वो भी बहुत ज़्यादा। आप यहाँ पे अपना दोस्तों टीवी की रिमोट स्टोर कर सकते हैं, और आपकी कोई मोबाइल की एक्सेसरी है वो स्टोर कर सकते हैं। और इसके साथ आपको एक बहुत अच्छे साइज़ का मिल जाएगा दोस्तों अटैच वॉशरूम। अगर मैं इस वॉशरूम की दोस्तों बात करूँ, ये देखिए इसके नीचे वुडन स्टाइल टाइल यूज़ करी गई है, बहुत प्यारी आपकी वैनिटी आ जाएगी। सारी फिटिंग, सारा कुछ आपका जैक्वायर ब्रांड का रहने वाला है। आपकी वॉल हैंग सीट जैक्वायर ब्रांड की रहने वाली है। रूफ हाइट तक टाइल्स लगी हैं, और टाइल्स का देखिए कॉम्बिनेशन वुडन स्टाइल की टाइल्स और ब्लैक के साथ बहुत प्यारा लग रहा है। सारी फिटिंग, सारे मिक्सचर, सब कुछ आपका जैक्वायर ब्रांड का रहने वाला है। और ये देखिए बहुत बड़ी विंडो आपको वेंटिलेशन के लिए मिलती है। सनलाइट देखिए अभी भी कितनी अंदर आ रही है, तो बहुत अच्छा साइज का दोस्तों। और लोकेशन इसकी बहुत प्राइम है, और वेंटिलेशन तो बहुत ही अच्छा है। इस रूम के साथ आपको एक अलग से दोस्तों आपके वार्डरोब दिए गए हैं। और ये आगे हमारे वार्डरोब, दोनों साइड दोस्तों वार्डरोब है, स्लाइडिंग के साथ है, तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज है। देखिए इसमें आपको लॉकर मिल जाएंगे, रूफ हाइट्स तक आप स्टोरेज एरिया मिल जाता है। और इसके नीचे भी दोस्तों आपको शू रैक मिलते हैं, ये देखिए दोनों साइड आपको ऐसे मिलने वाले हैं। इस साइड भी दोस्तों आपकी जितनी है, ये सारा दोस्तों आपको स्टोरेज मिलती है, ये देखिए रूफ हाइट्स तक मिलने वाली है। तो ये था हमारा पहला बेडरूम, और इसका ये आपने देखा वार्डरोब एरिया। तो चलते हैं हमारे फिर से लिविंग और डाइनिंग एरिया में। वहीं से हमारा आ जाता है दोस्तों सेकंड बेडरूम, और ये 250 गज में बना हुआ विला है, तो स्टेयर्स अंदर से मिलती हैं। तो ये हमारी स्टेयर्स है, बहुत प्यारी जा रही हैं, तो जाएंगे हम ऊपर भी। सबसे पहले हम कर लेते टूर हमारे सेकेंड बेडरूम का। और ये आ गया हमारा सेकेंड बेडरूम। डोर देखिए दोस्तों इसका, बहुत हैवी डोर, देखिए ग्लास भी यूज़ करा गया है, टीक वुड है, क्योंकि लग्जरी घर है तो सारी चीज़ें लग्जरी होनी भी चाहिए। तो अंदर आओगे तो दोस्तों एक यहाँ पे आपको सबसे पहले देखिए एक आपको एलईडी लाइट्स लगी हैं, यहाँ पे स्टोरेज एरिया मिल जाता है। फिर इसी के साथ आप अंदर आते देखिए बहुत प्यारे साइज़ की आपको दोस्तों
देखिए डाउन सेटिंग मिल जाती है। वुडन यूज़ करी गई है, एलईडी लाइट्स यूज़ करी गई हैं, और आप देखोगे फैंसी लाइट्स यूज़ करी गई हैं, वॉलपेपर यूज़ करा गया है, और इसका साइज़ दोस्तों बहुत ही बड़ा है रूम का। दोनों आपको मास्टर बेडरूम मिलने वाले हैं। फिर आप देखिए रूफ राइट तक आपको वार्डरोब मिल जाते हैं स्लाइडिंग के साथ। ये देखिए ऐसे ही आपको ये स्लाइडिंग के साथ अंदर आपको लॉकर मिल जाएंगे। दोनों साइड आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं, और नीचे आपको अगेन शू रैक मिल जाएंगे। शू रैक दोस्तों ज़रूरी हैं, क्योंकि इसमें हमें अपने कोई भी दोस्तों शूज़ हैं, कोई एक्सेसरी है, हम स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही आपको बहुत बड़े साइज़ का आपको टीवी पैनल मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको नीचे स्टोरेज मिलती है, यहाँ पे भी आप अपनी कोई भी एक्सेसरी, अपने रिमोट है दोस्तों, आपके मोबाइल एक्सेसरी है उसको स्टोर कर सकते हैं। और इस रूम में भी आपको एक बहुत अच्छे साइज़ का ड्रेसिंग एरिया मिल जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा आता है ड्रेसिंग टेबल, यहाँ पे भी आपको देखिए इसके नीचे भी स्टोरेज मिलने वाली है। तो ओवरऑल दोस्तों एक लग्जरी घर यही होता है, जहाँ पे आपको बड़े बड़े दोस्तों मास्टर बेडरूम मिले, स्टोरेज एरिया ज़्यादा मिले, और हर जगह आपको एक लग्जरी फील हो। और ये आ गया इसका अटैच वॉशरूम। ये देखिए अगेन आपको जैक्वार ब्रांड की ये फिटिंग मिल जाती है, मिक्सचर जैक्वार ब्रांड का। आपकी दोस्तों वैनिटी बहुत प्यारी, अगेन आपकी वॉल एंड सीट आ जाती है, ये भी जैक्वार ब्रांड की रहने वाली है। सारे मिक्सचर, सारे शावर, सारी एक्सेसरी आपकी जैक्वार ब्रांड की रहने वाली है। अगर आप ऊपर भी देखोगे दोस्तों, इसमें भी आपको फॉल सीलिंग मिल जाएगी, उसमें भी आपको एलईडी लाइट्स मिल जाती हैं, और यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए। तो ये था हमारा सेकेंड बेडरूम। ग्राउंड फ्लोर पर हमें दोस्तों दो ही बेडरूम मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े मास्टर बेडरूम मिलते हैं। और चलते हैं हमारी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, क्योंकि ये एक दोस्तों इसको विला का फील दिया गया है। और आप इस एंगल से देखिए हमारा पूरा ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया का व्यू, बहुत अच्छा व्यू दोस्तों आपको यहाँ से भी आने वाला है। और अगर आपको कैमरामैन यहाँ से एक दूसरे एंगल से दिखाने की कोशिश करें, और ये हमारी स्टेयर्स अंदर से जाती हैं, और इस एंगल से देखिए बहुत प्यारा। और यहाँ पर आपको एक शैंडलियर भी मिलता है, ऊपर बिल्कुल टॉप पर लगा हुआ है, और कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये देखिए बहुत अच्छा रात को दोस्तों इसका व्यू बहुत अच्छा आने वाला है। तो चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं ऊपर क्या क्या मिलने वाला है। और स्टेयर्स अंदर से हैं, और स्टेयर देखिए पूरा वुडन स्टेयर्स हैं, इसके पीछे डिज़ाइनर आपका ग्लास यूज़ करा गया है, और यहाँ पे सारे आपको वुडन के डिज़ाइन मिलते हैं। एलईडी लाइट उसमें यूज़ करी गई है, बहुत प्यारी लग रही है पूरी वॉल पे। और इसमें दोस्तों आपको स्टेयर्स में भी लाइट्स मिलती हैं, फॉलो मी लाइट्स इसे बोलते हैं आपको, ताकि रात को अगर ऊपर जाना है तो कोई दिक्कत ना हो। और पूरी वॉल पे आपका वॉलपेपर लगा हुआ है, और यहाँ पे देखिए पूरा आपको ऊपर से दोस्तों सनलाइट आ रही है, और आपका शैंडलियर भी प्लेस करा हुआ है। तो ऊपर आओगे फर्स्ट फ्लोर पे, सबसे पहले आपको दर्शन होंगे मंदिर के। जी हाँ, ये हमारा आ जाता है मंदिर, और यहाँ पे आप अपना कुछ भी दोस्तों, अगर कोई डिज़ाइनर डोर बनवाना चाहते वो बनवाएं, कोई आप कर्टन लगाना चाहते तो आपका ये प्रॉपर एक मंदिर का सेटअप बन जाता है, और ये आपका पूरा सिटिंग एरिया बन जाता है। ये देखिए, इसीलिए हमने यहाँ पे आपको एक टीवी पैनल भी दे दिया, यहाँ पे हम अपना टीवी, अपना 55 इंच टीवी लगाएं और क्रिकेट मैच भी इंजॉय करें। सीलिंग आपको हर जगह बहुत हैवी एलईडी लाइट्स के साथ मिलने वाली है। और फर्स्ट फ्लोर पे हमने दोस्तों एक आपको किचन की प्रोविजनिंग दी है, ताकि अगर आपको कुछ भी यहाँ पे कुकिंग करनी है, कुछ भी छोटा मोटा काम करना है, तो ये आपको एक किचन की प्रोविजनिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको सिंक मिल जाएगा, इसी के साथ आपको अगेन सॉफ्ट क्लोजर के साथ बहुत अच्छे साइज़ की ये किचन मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पे भी आपको स्टोरेज मिल जाती है। तो ऊपर आपको किचन देने का दोस्तों यही एडवांटेज है, आप छोटा मोटा कुकिंग करना चाहते हैं कुछ भी दोस्तों, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, क्योंकि नीचे हमने ऑलरेडी आपको बहुत बड़े साइज़ की किचन ऑलरेडी दी हुई है। और ये आ गया हमारा फर्स्ट फ्लोर का दोस्तों पहला बेडरूम, और बहुत अच्छे साइज़ का ये बेडरूम है। देखिए फैंसी लाइट, वॉलपेपर बिल्कुल एज इट इज़, फॉल सीलिंग बहुत प्यारी आपको एज इट इज़ मिलने वाली है। इसके साथ आपको ये अटैच मिल जाएगा वॉशरूम, अगेन दोस्तों बहुत अच्छा साइज़ का वॉशरूम है। आपकी जैक्वार ब्रांड की वैनिटी है यहाँ पे पहले आ जाती है, फिर वॉल हैंग सीट आ जाती है, रूफ हाइट तक टाइल्स लगी हैं, कोई भी इशू नहीं है सीलन का, पपड़ी का, सारी फिटिंग सब कुछ आपको जैक्वार ब्रांड का मिलने वाला है। बहुत बड़ी विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए, तो एक बहुत अच्छा वेंटिलेटेड घर आपको ये मिलने वाला है।
और इस रूम के साथ आपको कनेक्टेड आपको एक रियर मिल जाती है बालकनी। और डोर देखिए दोस्तों कितने प्यारे हैं, हैवी हैवी डोर। और इन्हीं के सेंटर में आपको यहाँ पे भी एक टीवी पैनल भी मिल जाता है। और बात करते हैं रियर कोर्टयार्ड की, ये देखिए ये हमारा आ जाता है रियर कोर्टयार्ड। और यही हमारी जो रियर कोर्टयार्ड है ये हमारे दोनों बेडरूम के साथ कनेक्टेड है और हमारे दोनों वॉशरूम के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पे हमने आपको एक प्रोविजनिंग दे दी है टैप की, अगर चाहें तो आप यहाँ अपनी वॉशिंग मशीन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारी वेंटिलेशन है हमारे वॉशरूम की, और ये हमारे दोनों बेडरूम की वेंटिलेशन आ जाती है। और जो हमारे सेकंड बेडरूम का वॉशरूम है उसका साथ भी कनेक्टेड आपको वेंटिलेशन इसी दोस्तों कोर्टयार्ड में मिलती है। तो आइए चलते हैं फिर से हमारे बेडरूम के अंदर। और ये आगे दोस्तों बेडरूम के अंदर, तो चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम में। और उसके लिए दोस्तों ये आगे हम फिर से हमारे सिटिंग एरिया में, और यहाँ से हमारा आ जाता है सेकंड बेडरूम। और बात करूँ तो सेकंड बेडरूम की, बहुत बड़े साइज़ का मास्टर बेडरूम। देखिए डोर अगेन बहुत हैवी आपको मिलता है। और सबसे पहले देखिए आप इसकी फॉल सीलिंग, बहुत प्यारी वुडन यूज़ करी गई है, LED लाइट्स यूज़ करी गई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके साथ भी आपको एक कनेक्टेड मिल जाता है वॉशरूम। उससे पहले दोस्तों जो मैंने अभी आपको बालकनी दिखाई थी ये वही बालकनी है जो इसके साथ भी कनेक्टेड है। डोर देखोगे तो आप सारे आपको एक जैसे डोर ही मिलने वाले हैं, डिज़ाइन पैटर्न वही फॉलो करा गया है। और एक अलग डिज़ाइन का आपको ये टीवी पैनल मिल जाएगा, इसके नीचे भी आपको हर जगह ये स्टोरेज मिलती है टीवी पैनल के साथ। बहुत स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आपको स्पेस मिल जाती है। और इस बेडरूम के साथ भी आपको अगेन बहुत बड़े साइज़ के दोस्तों वार्डरोब मिलते हैं। तो देखिए वार्डरोब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका ड्रेसिंग टेबल आ जाएगा, इसके नीचे आपको स्टोरेज मिल जाएगी। अगर मैं इस साइड बात करूँ ये आपको स्लाइडिंग के साथ मिल जाएगा, देखिए इसके अंदर भी आपको स्टोरेज मिल जाएगी। रूफ हाइट्स तक है तो कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों लेंथ इतनी है इनकी, आप तो दोस्तों कपड़े रखते रखते ही थक जाओगे क्योंकि स्पेस आपको इतनी है। ये देखिए दोनों साइड आपको ऐसी स्पेस है, ये देखिए अगर कैमरामैन आपको दिखाते रहे, ये देखिए यहाँ पे भी आपको ऐसी स्पेस मिलने वाली है। रूफ हाइट्स तक है, इधर भी आपको ऐसी स्पेस मिलेगी। बहुत ज़्यादा देखिए अंदर आपको लॉकर भी मिलते हैं। स्पेस के मामले में दोस्तों 1% कोई इशू नहीं है क्योंकि 250 गज जगह ही बहुत है। ये देखिए यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट वैसे स्पेस मिलती है, लॉकर आपको हर जगह मिलने वाले हैं। मास्टर बेडरूम है, साइज़ बहुत बड़ा, आई थिंक दोस्तों इसका जो साइज़ रहने वाला होगा वो 20x ऑलमोस्ट 18 का होने वाला है। तो एक अच्छे साइज़ का बहुत बड़ा मास्टर बेडरूम है। और इस मास्टर बेडरूम के साथ भी आपको अटैच मिल जाता है वॉशरूम, अगेन आपको यहाँ पे मिल जाती है वैनिटी और वॉल हैंग सीट मिल जाएगी। देखिए अगेन रूफ हाइट्स तक आपको टाइल्स मिलती हैं, और इसके साथ यहाँ पे विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए, और सारी फिटिंग आपकी जैकर ब्रांड ही रहने वाली है। तो ये है हमारा अटैच वॉशरूम। तो अभी तक दोस्तों इन टोटलिटी हमने देख लिए हमारे 4 बेडरूम, 2 बेडरूम हमें नीचे हमने देखे, 2 बेडरूम हमारे आगे ऊपर। और चलते हैं हमारे 5th बेडरूम में। और देखिए वुडन देखिए कितनी प्यारी यूज़ करी गई है, और ग्लास डिज़ाइनर ग्लास बहुत प्यारा लग रहा है। यही वुडन ऊपर तक आपकी कैरी ऑन करी गई है। ऊपर का व्यू भी तो आपको दिखाऊंगा, ऊपर बहुत प्यारा आपको शेडलर के व्यू दिखाने वाले हैं हम। और उससे पहले हम देख लेते हैं हमारे ये 5th बेडरूम का व्यू। देखिए एंट्रेंस पे आपको यहाँ पे भी स्टोरेज मिल जाएगी, LED लाइट्स लगाई गई है, और यहाँ से व्यू मिलता है हमारा दोस्तों फ्रंट का। फ्रंट में देखिए एक बहुत बड़े साइज़ की आपको ग्लास मिल जाता है, विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए, बाहर का व्यू आपको रहेगा, सामने आपको यलवाजू टावर भी विजिबल हो जाएगा। और बात करूँ आपकी फॉल सीलिंग की, सब कुछ LED रहने वाला है, LED लाइट्स के साथ वॉलपेपर बहुत प्यारा, दोनों तरफ LED लाइट भी आपको LED मिलती है। यहाँ पे आपको देखिए अगेन रूफ हाइट तक आपको स्टोरेज मिलती है, और ये देखिए स्लाइडिंग के साथ रहने वाली है ये भी स्टोरेज। नीचे आपको इसके भी शू रैक मिल जाते हैं। और टीवी पैनल की अगर बात करूँ, बिल्कुल देखिए मैच करा गया है आपके दोस्तों वार्डरोब के साथ, आपको वही पैटर्न में सेम साइज सेम स्टाइल के साथ आपको ये टीवी पैनल मिल जाता है। और बात करूँ और दोस्तों स्टोरेज की, ये देखिए यहाँ पे हमारा आ जाएगा ड्रेसिंग टेबल, इसके नीचे भी देखिए आपको स्टोरेज मिलने वाली है, दोनों साइड आपको ऐसी स्टोरेज है। और इस साइड भी देखिए आपको रूफ हाइट तक अगेन स्टोरेज मिल जाती है, देखिए स्लाइडिंग के साथ। तो बहुत अच्छा दोस्तों लग्जरी घर,
250 गज का ये रहने वाला है। दोनों साइड देखिए आपको स्लाइडिंग के साथ है स्टोरेज, यहाँ पे आपको देखिए लॉकर मिल जाते हैं, और ये आ गया इसका दोस्तों वॉशरूम। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आप अपना दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पे अपने ड्रिंक्स रख सकते हैं, आपका बार भी बन सकता है। ये देखिए आप पूरा दोस्तों इसको सजा सकते हैं, आपका एक सेपरेट बार बन जाएगा, इसके नीचे भी आपको स्टोरेज है। और ये आ गया हमारा इस रूम का अटैच वॉशरूम। सबसे पहले आपको वैनिटी मिल जाएगी, देखिए एक अच्छे साइज की आपको वैनिटी मिल जाती है, जैकोर ब्रांड की वॉल हैंग आपकी सीट मिल जाएगी, रूफ हाइट से टाइल्स हैं, बहुत बड़ी आपको विंडो मिल जाएगी, फॉल सीलिंग आपको वॉशरूम में भी मिलती है, सारे मिक्सचर, सारे शावर, सारी एसेसरी आपको जैकोर ब्रांड की मिलती है, बहुत हैवी हैवी आपको डोर मिलते हैं। और दोस्तों इससे ज़्यादा क्या चाहिए, एक लग्जरी यही स्टेटस है, लग्जरी आपको फील आएगा। एक बार इसको पर्सनली आप विजिट ज़रूर करें, और शाम के टाइम तो दोस्तों इसके वो कहते हैं चार चांद और लग जाते हैं, क्योंकि लाइट्स का इफेक्ट इतना अच्छा आता है, तो दोस्तों बहुत मज़ा आने वाला है, आप इसको एक बार ज़रूर विजिट करें। और इसके साथ हमारी कनेक्टेड आ जाती है दोस्तों हमारी फ्रंट में बालकनी, और ये आ गई हमारी कनेक्टेड बालकनी। और ये भी दोस्तों जो डिज़ाइन है देखिए बहुत प्यारा फ्लावर का डिज़ाइन, रात को ये बहुत अच्छा विजिबल होने वाला है। और यहाँ पे आपको फ्रंट में बालकनी मिलती है, ये देखिए एक अच्छे हाइट की है, ग्लास के साथ स्टील रेलिंग लगी हुई है, और यहाँ से व्यू देखिए ये पूरी बालकनी आपको मिलती है। यहाँ पे भी आप अपनी इवनिंग टी इन्जॉय करें, ड्रिंक इन्जॉय करें। और आप देखिए इसके एलिवेशन पे, अगर आपको कैमरा मैन इसका थोड़ा सा एलिवेशन दिखा सके, इसके एलिवेशन पे भी देखिए लाइट लगी हुई है, तो बहुत अच्छा लगेगा ये आपको नाइट के व्यू। सारी एलिवेशन पे टाइल के साथ इसको लाइट्स यूज़ करी गई हैं। और अगर मैं ये वाले एलिवेशन की बात करूँ, यहाँ पे देखिए आपको ये वुड लग रहा होगा, बट दोस्तों बहुत प्यारा ये भी आपको एज इट इज़ मिलने वाला है, ये वुड नहीं है, ये आजकल दोस्तों ये UPVC चलता है, ये वो है, क्योंकि ये ड्यूरेबल रहता है, जल्दी ख़राब नहीं होता। और बाकी सारे एलिवेशन पे टाइल्स लगी हुई है, तो सील एंड पपड़ी का भी कोई इशू ही नहीं है। तो ये था हमारा पाँचवें बेडरूम का व्यू। तो आइए चलते हैं हमारी सेकेंड फ्लोर पे, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्या क्या मिलने वाला है। और आप इस एंगल से देखिए पूरा हमारा सिटिंग एरिया का व्यू, ऊपर फॉल सीलिंग देखिए, फॉल सीलिंग में डिज़ाइन देखिए, LED लाइट्स देखिए, वुडन दोस्तों यूज़ करा गया है ऊपर फॉल सीलिंग में, बहुत अच्छा, बहुत हैवी काम है। और वुडन तो दोस्तों पूरा आपके स्टेयर्स के साथ साथ इवन हमारा दोस्तों हमारी वॉल्स में ये देखिए यूज़ करा गया है, LED को बहुत अच्छा प्लेस करा गया है। और यहाँ से आपको देखिए पूरा वॉलपेपर कैरी ऑन करा गया है। और ये देखिए हमारा शैंडलर, बहुत प्यारा दोस्तों शैंडलर, यहाँ से आपको देखिए ऊपर ग्लास लगा तो सनलाइट भी आती रहेगी, और रात को तो दोस्तों शैंडलर इतना प्यारा लगेगा, क्या बात आएगी दोस्तों। तो आप भी इसको एक बार विजिट करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप हमें कॉल करें और अपनी विजिट प्लान करें। और दोस्तों हमारी कोशिश रहती है आपको लग्जरी से लग्जरी और अफोर्डेबल से अफोर्डेबल घर भी लेके आते रहें। और ये देखिए पूरे शैंडलर का व्यू। तो ये हमारा दोस्तों एक लग्जरी घर का टूर था, इंडिपेंडेंट घर, वो भी बिल्कुल एयरपोर्ट रोड के साथ। मैं आपको एयरपोर्ट रोड भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, और अगर कैमरामैन थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दें, वो सामने हमारे एयरपोर्ट रोड जा रही है, बिल्कुल वहाँ से दोस्तों वॉकिंग डिस्टेंस रहने वाला है, यलवाजू टावर आपको विजिबल हो जाएगा एयरपोर्ट रोड से। तो ये हमारी बहुत बड़े साइज़ की ओपन रूफ आपको एज इट इज़ मिलने वाली है, आप चाहें तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, जी हाँ सेकेंड फ्लोर अलाउड है, यहाँ पे आप पूरी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा एक सिटिंग प्लान बनाया गया है, ये देखिए यहाँ पे आप अपना दोस्तों एक बार बना सकते हैं, किचन बना सकते हैं, ओपन किचन, गजीबो बना सकते हैं, सिटिंग एरिया जैसे मर्जी इसको कन्वर्ट करें। और दोस्तों ऐसे लग्जरी घर बहुत रेयर मिलते हैं, प्राइस इसकी बहुत ही दोस्तों एक कहते हैं कि लग्जरी घर है, बस प्राइसिंग वैसी नहीं है। प्राइसिंग, साइजिंग, लोकेशन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ जाके ज़रूर चेक करें और सपोर्ट ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दोस्तों आप गिव अवे भी जीत सकें। 3 गोल्ड ग्राम मिलने वाले हैं एक एक ग्राम के, उसको आप ज़रूर चेक करें। और करना क्या है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के शेयर ज़रूर कर देना है, ताकि दोस्तों आपको भी दोस्तों एलिजिबल हो सके, आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव भी एलिजिबल हो सके, और कमेंट ज़रूर करना है। इसी के साथ आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है बताते रहें, प्यार देते रहें। और दोस्तों
मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।